हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंडियन पीता ब्रेड। इंडियन पीता ब्रेड जिसको कि हम काफ़ी देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने मैदा को यीस्ट और थोड़ी सी शुगर के साथ तैयार किया है और उसको मैंने 4 घंटे तक रखा और उसके बाद वो अपने साइज से डबल हो गया है। उसमें खमीर उठ गया जिसको कहते हैं, और ये ब्रेड गर्मियों में बहुत अच्छी रहती है, खाने में लाइट होती है क्योंकि इसमें खमीर डला हुआ है। और इसको फिलिंग के साथ भी बना सकते हैं, इसको किसी भी और चीज़ के साथ खा सकते हैं। इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी यूज़ किया जा सकता है। और उसके साथ एक और खासियत है इसकी कि इसको एक ही बार में नहीं बनाया जाता। इसको बनाने के लिए पहले इसका हम डो तैयार करते हैं, डो तैयार करके हम छोड़ दें और हमें कुछ और काम हो तो हम वो कर लें, घर के बाहर कहीं जाना हो तो जा सकते हैं, क्योंकि इसको कई घंटे तक रखना पड़ता है। और फिर जब लंच या डिनर के टाइम हम घर वापस आएं तो इसको बनाकर पकाकर हम खा सकते हैं। तो मैं बनाती हूँ ये एक अमेजिंग सी इंडियन पीता ब्रेड, जिसे ट्रेवलिंग में भी साथ ले जा सकते हैं। मैदा को जब मैंने यीस्ट और थोड़ी सी शुगर के साथ पानी के साथ जब मिक्स किया तो 4-5 घंटे बाद मैदा इस तरीके से हो गया है जिसमें कि खमीर उठ गया, कहते हैं कितना स्पंजी हो गया, सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसको आगे का काम शुरू करती हूँ। इसके लिए मुझे एक कोई ट्रे या कोई भी जगह आप एक कपड़ा बिछा लेंगे, उसके ऊपर कपड़ा बिछा कर सूखा आटा लेना है। थोड़ा सा सूखा आटा हाथ में इसलिए लगाना है कि ये हाथ में चिपके ना। और अब मैं हल्के हाथ से इसको लेकर, कितना अच्छा खमीर उठ गया है, दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे बंद कर दूंगी। बहुत ज्यादा फैलाऊंगी नहीं, वरना ये बहुत मेसी हो जाएगा अगर इसके खमीर के हिस्से को मैं बाहर निकालूंगी। अब इसको हाथ से शेप देनी है। ये देखने से लग रहा है कि अरे हाथ से कैसे बनेगा, चकला बेलन पर ही होता है ये काम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत आराम से हो रहा है। सूखा आटा ज्यादा नहीं लगाया है, बिल्कुल थोड़ा सा, जितना हाथ में चिपके ना बस उतना लगाया मैंने। अब मैं फिर से यहाँ सूखा आटा लगा रही हूँ हाथ पर, और दूसरी साइड से इसको ले रही हूँ, और ये जो खमीर वाला हिस्सा है इसको इसी में अंदर दबा रही हूँ। जरूरत हो तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेती हूँ। इसको गोला भी बना सकते हैं, बहुत इजीली हैंडल करना है इसको, इसमें कोई ये नहीं है कि इसको हल्के हाथ से। अब जहां से अगर ये चिपक रहा है तो मैं इसमें सूखा आटा लगा दूंगी, और इसको फिर से थोड़ा सा बिना बेलन और चकले की हेल्प के हाथ से ही बढ़ा दूंगी। अब इसको भी मैं यहाँ रख दूंगी। इसमें रखते हुए थोड़ा सा गैप रखना है क्योंकि ये अभी साइज में थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। सूखे आटे को लगाने से क्या है कि ये हाथ में चिपकता नहीं है, क्योंकि हमने इसको बनाते हुए, डो तैयार करते हुए ऑयल तो डाला नहीं है, तो इसलिए तो ये चिपकेगा हाथ में, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है, और यीस्ट डालने के बाद जो खमीर उठा है वो तो इसको हाथ में और भी चिपकाएगा। तो इसलिए मैं इसमें सूखा आटा हाथ में लगा रही हूँ। ये पीसेस तैयार हो गए। अब मैं इसको कुछ देर के लिए ऊपर से भी एक कपड़े के साथ ढक दूंगी। कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, अगर सर्दियों में हम इसको बना रहे हैं तो हमें इसमें गर्म कपड़ा यूज करना चाहिए। अभी तो मौसम बहुत गर्म है तो ये हल्के कॉटन के कपड़े में भी ठीक रहेगा। अब इसको कुछ देर के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। 20 से 25 मिनट का टाइम हो चुका है, तो अब मैं इनको हटाकर देखती हूँ। मुझे ये और ज्यादा फुलाने थे। वाओ, कितने अच्छे फूल गए हैं, कितने साइज में और भी बड़े हो गए हैं। ये ऐसे ही मुझे चाहिए थे क्योंकि मैंने इनको बनाते हुए सूखा आटा लगाया था, तो वो सूखे आटे ने भी खमीर को अपने में जज्ब कर लिया है और इनका साइज अब बड़ा हो गया है। ये पूरे तैयार है खमीर उठने के बाद, और अब मैंने इंडक्शन प्लेट पर थोड़ा सा ऑयल डालकर कढ़ाई रख दी है, उसका ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें इनको फ्राई करना स्टार्ट करूंगी। इनका जो नीचे का पोर्शन जो इस कपड़े से टच हो रहा था वो पोर्शन नीचे जाना चाहिए। हल्के हाथ से मैं इसमें इनको छोड़ दूंगी। हीट अब मैं थोड़ी स्लो कर लेती हूँ। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, पूरी की तरह पक जाते हैं। इसमें क्रैक आने लगे उससे पहले मैंने इसको बदल देना है। हम चाहे इसको सिंपल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इनको मैदा से बनाना प्रेफर किया है क्योंकि ये हमें एक्चुअल पीता ब्रेड का टेस्ट देंगे। अब एक टिश्यू लगाकर किसी भी बर्तन में मैं इनको उतार लूंगी, ताकि अगर इसका एक्सेस ऑयल है तो वो उसमें निकल जाए।
इसी तरह से मैं दूसरे को फ्राई कर लेती हूँ। जरूरत लगे तो हीट आप तेज कर सकते हैं। इसको तलने का कोई बहुत मेथड या तरीका नहीं है, जिस तरह हम लोग पूरी बनाते हैं उसी तरह से इसको फ्राई करना है। बस हल्के हाथ से हैंडल करना है क्योंकि ये खमीर उठा हुआ है तो बहुत सॉफ्ट है, अगर इसका कोना इसमें लगेगा तो ये वहाँ से टूट जाएगा, इसलिए बहुत आराम से इसको फ्राई करें। ये फ्राई होकर तैयार हो गया है और मैं इसको निकाल लेती हूँ पहले बाहर, और अब मैं इसमें से कढ़ाई को हटा देती हूँ और एक दूसरे तरीके से इन्हें पकाना दिखाती हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है सभी लोग फ्राइड चीज़ें पसंद नहीं करें या उनके लिए हेल्दी ना हो, तो इनको पकाने का एक और सिंपल तरीका भी है जिसमें हम ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तवा थोड़ा गर्म होने देंगे और तवा के गर्म होते ही हम इन्हें उठाएंगे और इन पर शिफ्ट कर देंगे, तवे पर रख देंगे। बीच में हीट अब मैं थोड़ा स्लो कर दूंगी। कितनी अच्छी पीता ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। दूर से ये कचौरी या राज कचौरी जो हम खाते हैं उसके जैसी लग रही है दिखने में। अब मैं थोड़ा हीट को तेज कर देती हूँ क्योंकि ये तकरीबन नीचे से अभी तक पक चुकी होंगी। थोड़ा सा इनको हिला देते हैं, मूव कर देते हैं कि अगर पूरे तवे पर हीट पूरी ना आ रही हो तो इनको पूरी हीट मिल जाए और ये अच्छे से सिक जाए। अब इनको बदल लेते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसमें ब्राउन कलर आ गया है, ये कलर हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा कलर देकर पकाएंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे और ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। अगर हमें इन्हें सॉफ्ट रखना है तो बहुत कम ही सेकना होगा। इसको मैंने एक बार और बदला है तो इसमें कितना अच्छा कलर आ गया और इसका मतलब कि ये पक चुका है। तो मैं इंडक्शन प्लेट ऑफ कर देती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ। इनको चाहें तो फिलिंग के साथ भी रख सकते हैं और चाहें तो किसी सब्जी या अचार रायता उसके साथ भी खा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम इसको खोलेंगे तो ये कैसी होंगी। अब हम चाहें तो इनको फिलिंग करनी है अगर हमने, तो हम ऐसे इसकी पॉकेट निकाल लें। कितनी अच्छी ब्रेड बन गई है, अंदर से देखिए धुआं उठ रहा है, एकदम सॉफ्ट ब्रेड है। अगर चाहें तो पूरा इसको खोल लें और इसके अंदर हम चॉकलेट भर दें, जैम भर दें, कोई चटनी भर दें, कोई ग्रेवी भर दें, और अगर नहीं तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ सब्जी दाल जो भी चाहे यूज किया जा सकता है। पीता ब्रेड तैयार है बनकर, एक फ्राई करके एक बिना फ्राई करके। फ्राइड वाली को वैसे पैक करना है जिस तरह हम पूरी या पराठा पैक करते हैं, मतलब टिन फॉइल में, और जो ड्राई है जो तवे पर मैंने बनाई है उसको पैक करना है चपाती की तरह, मतलब किसी कपड़े में लपेट कर, ताकि इसका मॉइस्चर उसी में रहे और ये ब्रेड ज्यादा सॉफ्ट रहे। ड्राई पीता ब्रेड को पैक करने का तरीका आप हमारे लिंक्स में जाकर पिछली एक रेसिपी में देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रिजर्व रोटियां बनाई थी, प्रिजर्व चपाती, जिसको हम ट्रेवलिंग में ले जा सकते हैं और कुछ दिनों तक यूज कर सकते हैं। और इसको खाने के लिए इसमें चाहें तो कोई फिलिंग कर सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं, और इसको चाहें तो उसको भी किसी भी तरह से खा सकते हैं। तो आई होप आपको ये पीता ब्रेड की रेसिपी, जो कि ट्रैवलिंग से लेकर फ्रिज में रखने से लेकर फ्रेश खाने से लेकर बच्चे को लेकर बड़े को लेकर कोई भी खा सकता है बहुत शौक से, किसी भी चीज़ के साथ, मीठे या नमकीन के साथ। तो आई होप आपको मेरी ये बनाई रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप इसको कीजिए लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय।